अभी कृष्ण सभी जानते, कृष्ण को यशोदा से प्रेम मिला हम सभी जानते, लेकिन कृष्ण को अपने से 12 साल बड़ी राधा से भी प्रेम मिला। और प्रेम, मैंने पहले ही कहा, मनुष्य को रूपांतरित कर देता। कृष्ण की लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है और जो उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी, सबके पीछे प्रेम है। मां के प्यार ने स्वतंत्रता दी, फिर राधा के प्रेम में पड़े 12 साल बड़ी, तो कृष्ण सोचे यार मैं इतना, ये इतनी बड़ी है, कहीं ऐसा ना सोचे बच्चे के प्रेम में पड़ गई, है ना। तो कृष्ण ने अपने आप को बड़ा मानना और बड़ा सिद्ध करना शुरू कर दिया। गांव की मीटिंगों में इंटरेस्ट लेना, राय देना, बड़े बड़े गोपों से युद्ध लड़ना, मलयुद्ध सीखना, तो ये बड़े बन गए। और फिर राधा की आंख में उठने के लिए सांड आता है, सांड से भिड़ गए, तो ये परिवर्तन हो गया। फिर क्या हुआ, चलो ये तो हुई वृंदावन की बात। 18 साल की उम्र में मथुरा जाना हुआ। अब वृंदावन तक तो ठीक था, छोटा सा गांव, तो कन्हैया कन्हैया थे, लेकिन ये तो शहर, एक ही दिन में पूरा गुमान और नशा उतर गया। सब जने हंसी उड़ाए। जिस वस्त्र पे वृंदावन में तन के चलते थे कृष्ण, मथुरा में वो हंसी के पात्र हो गए। लेकिन उसी दिन उनकी कुब्जा नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई, वो भी उनसे काफी बड़ी थी और अंग से टेढ़ी थी, झुक के चलती थी, थी खूबसूरत और कंस के वहां सेविका थी। अब मथुरा में क्योंकि उनको कोई जानता नहीं था, वो और बलराम अकेले गए थे, तो कुब्जा से मेलजोल बढ़ा। 10 दिन के मेलजोल में कुब्जा ठीक हो गई और उसके प्रेम की शक्ति पाके कृष्ण आ गए फिर मथुरा में। अब कौन है बताओ, हैं? और छा गए मथुरा में। ये कुब्जा का प्रेम है। एक दिन उसी मथुरा में उन्होंने एक रथ आता देखा और रथ के पीछे रथों की फौज और आगे 4-5 सिपाही जा रहे हैं। अब तो गांव में आदमी राजकुमारियों की कहानियां सुनता है, हम भी सुनते हैं, लेकिन रुक्मणी उस रथ में बैठी थी। आहा, ये तो देखते ही गिर भी पड़े और ट्रांसफॉर्म भी हो गए। अपने को भी राजा बनना है ना। बस फिर वहीं से व्यवसाय शुरू किया और आगे बढ़े। शॉर्ट में आपको प्यार ट्रांसफॉर्म कर देता, हाथों हाथ। ये प्रेम की शक्ति है, और अगर ट्रांसफॉर्म नहीं करता तो आप ये मत समझना कि आप प्रेम में हैं। हालांकि मैंने सबको देखा है, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। प्रायः होना ये चाहिए कि कोई भी दो व्यक्ति अगर पास में आए तो ट्रांसफॉर्म फॉर गुड होना चाहिए। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा हो जाता, और किसी की शादी होती तब तो महा उल्टा हो जाता। दो व्यक्ति निकट आते तो मैं देख लेता, इसमें ये 10 अवगुण, इसमें 6, साल भर बाद दोनों में 16-16। हम ट्रांसफॉर्म फॉर बेड होते, ट्रांसफॉर्म फॉर बेड प्रेम नहीं है। सो दुनिया के जितने भी चमत्कार है, जितने लोग आगे बढ़े हैं, सब ने प्रेम का, ट्रांसफॉर्मेशन का पावर लिया है। प्रेम जैसी मनुष्य को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति और किसी चीज में नहीं है। संसार के हर कण को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति जो प्रेम में है, वो किसी चीज में नहीं है। ये पूरे विज्ञान का विकास क्या है, 2 चीज 10 चीज 20 चीज मिला के उनका अस्तित्व गायब करके एक नई चीज का आगमन है। सो आप एक चीज तय जान लो, जो अब तक मैंने समझाया कि मनुष्य प्रेम के कारण अस्तित्व में है, उससे उसका छुटकारा नहीं है। और 2-3 साल का बच्चा
जैसे ही प्रेम से दूर होता वहीं से उसके जीवन की बेचैनियां शुरू हो रही है, और जिसको जितना प्रेम मिल रहा है उतनी उसके जीवन में कम बेचैनी है। लेकिन मनुष्य के सारे दुखों की, सारे टेंशन की, सारी असफलताओं की जड़ प्रेम का न मिलना है, और ये एक मैजिक है, इसमें ट्रांसफॉर्म की शक्ति है। अभी बड़े बड़े ज्ञानी आ जाते, और मेरे को तो ज्ञानी को देखते डर लगता, वो अरे शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो मैं क्या करूं भाई, है ना। ये ज्ञानी आ जाते, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम ही नहीं। सवाल ये है कि मनुष्य का अहंकार कमजोर होना चाहिए ताकि आत्मा के गुण प्रकट हो, लेकिन ज्ञानी अहंकार और मजबूत कर लाते हैं। आप देखना कभी भी कहीं पे भी गौर करना, ये ध्यानी भी बड़ा अहंकार करते, 3 घंटे ध्यान में बैठा, अरे कोई मजाक है, 1 सेकंड बैठ जाते महाराज भला हो जाता। शरीर को एक जगह बिठा देना ध्यान नहीं है। और फिर ये मंदिरों में जाते, यहां जाते, ढूंढते, लेकिन अकड़ आती, मैं तो सोमवार करता हूं, बड़ा कृष्ण भक्त हूं, अकड़ क्यों आ गई, आपका अहंकार बढ़ रहा है, आप गौर करें, अहंकार घटना चाहिए। अहंकार सारे दुखों की जड़ है, लेकिन प्रेम फट से उड़ जाता, क्योंकि आप दिखाएं अहंकार, लो आप किसी को प्रपोज करने जाओ और अहंकार दिखाओ, एट जानती मैं कौन हूं, जा। प्रेम का स्टार्टिंग पॉइंट ही अहंकार का समर्पण है, माते तू सही, तू सी ग्रेट, है ना। अहंकार को जगह नहीं है प्रेम में, बड़ा आसान है, और आप जैसे ही झुकते अहंकार कमजोर होता, वो तो मैजिक है, आपको एक से एक शक्तियों से हाथोंहाथ भर देता, वो मैजिक है, ऑटो मैजिक है। तो प्रेम इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि एक तो ये प्रगति देता, और दूसरा मजेदार भी है, और तीसरा इंस्टेंट रिजल्ट है। और कोई भी मनुष्य ये गलतफहमी मत पालना, मैंने स्पष्ट कहा कि सारी भागा दौड़ी, फिर उसमें ABCD जेड नहीं है, जीवन में भागा दौड़ी है तो उसका अर्थ एक ही है कि आपके जीवन में प्रेम नहीं है और आपने प्रेम को विकृत कर दिया है। बड़े ध्यान से समझना। और प्रेम की विकृतता क्या है? प्रेम स्ट्रेट तो मिलना बंद हो गया, प्रेम स्ट्रेट मिलने की कला भी भूल गए, प्रेम का लेन देन व्यवहार ही खत्म हो गया। मनुष्य इन्वॉल्वमेंट को प्रेम समझता, करियर को प्रेम समझता, धन कमाने को प्रेम समझते, मान को प्रेम समझते, सम्मान को प्रेम समझते, जीवन बनाने को प्रेम समझते, ये प्रेम का रूपांतरण नहीं है, ये प्रेम की विकृतता है। आप खोज क्या रहे हैं? आप गौर करना, खोज क्यों है? और जिसको देखो 3-4 साल के बाद उसको खोजीराम बना देते, खोज क्या खोजना है, पूरी मस्ती चली गई। आप जो भी खोज रहे वो सारी आप प्रेम की रिक्तता को, प्रेम की कमी को भरने की कोशिश कर रहे। शायद धन से भरा जाए, शायद साधनों से भरा जाए, शायद इन्वॉल्वमेंट से भरा जाए कि चलो परिवार दोस्त, आप कितना ही भर लो, हर आदमी अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, वो कुछ भी करता, कितनी भागा दौड़ी कर ले, कितना ही कुछ पाले, भीतर खाली का खाली, तृप्ति आ ही नहीं सकती। प्रेम की तृप्ति सिर्फ प्रेम से आ सकती। और यह मत समझना कि सन्यासी लोग, अरे वो तो और ज्यादा भटक गए, खोज क्या रहे हैं आप महाराज, आप खोज क्या रहे हैं? कोई भी खोज हो वो एक ही चीज की खबर दे रही कि जीवन में प्रेम नहीं है, प्रेम को खोज नहीं है, और खोज है तो प्रेम नहीं है जीवन में। बड़ा सिंपल समझ लेना, आपको खोज किस चीज की है? आप क्यों इतना भटक रहे हैं, क्यों शीर्षासन कर रहे हैं, क्यों घंटियां हिला रहे हैं, क्यों बांग दे रहे हैं, क्यों ध्यान कर रहे हैं, क्यों भजन कर रहे हैं? आपको खोज है,
चाहे इधर खोजो उधर खोजो तृप्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि खोज है और खोज इस बात का सबूत है कि हम तृप्त नहीं है प्रेम से। खोज प्रेम की है लेकिन विकृतता है। सीधे प्रेम की खोज है, सीधे प्रेम में खोजो, और प्रेम का खोजी कोई गुलामी नहीं। अनपढ़ हो तो भी चमत्कार, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते तो भी चमत्कार। जिसको प्रेम मिला, जिसको भी प्रेम मिला, उन्होंने चमत्कार किए हैं। कृष्ण गीता में एक बड़ा प्यारा शब्द वापरते, अर्जुन को कहते हैं कि अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम का अर्थ होता है कि जो आपके सामने है या आप जिस किसी भी चीज के प्रेम में हैं, प्रेम में एबीसीडी नहीं है, जिस भी चीज वस्तु साधन व्यक्ति कुछ भी हो, अगर आप प्रेम में हैं तो अपना अस्तित्व पूर्णतः भूल जाना, उसको अनन्य प्रेम कहते हैं। अभी एडिसन लेबोरेटरी में जाता है लेकिन बचपन में प्रेम मिला है इसलिए वो अनन्य प्रेमी हो गया है। लेबोरेटरी में जाता अपना पूरा अस्तित्व लेबोरेटरी में छोड़ देता, न उसका नाम बचता न उसका परिवार बचता, उसको अहम नाम की कोई चीज बचती ही नहीं, अनन्य हो जाता, प्रयोग से सिर्फ प्रयोग रह जाता। ये जादू एडिसन कर सकता है क्योंकि उसको प्रेम मिला है। बड़े ध्यान से समझना, हम वो जादू नहीं कर सकते, जबकि प्रेम कुंजी है रहस्यों की, पट 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 सब चीज खोल देती। किसी भी चीज को आप प्रेम से छू लो, साइकोलॉजी कहती पत्थर भी बोलते हैं, जरा प्रेम से छुओ तो सही, सब बोलते हैं। प्रेम जादू है, प्रेम मैजिक है। अगर माइकल जैक्सन नाचता या कोई गाता या कोई धुन बनाता कोई शायरी लिखता, ये कौन लोग हैं? ये अनन्य प्रेमी हैं जो डूब जाते, अपना अस्तित्व भूल जाते, चमत्कार होते। हम अस्तित्व के साथ भटक रहे हैं। तो प्रेम की मैंने अलग अलग सीढ़ियां बताने की कोशिश करी, अलग अलग बातें बताने की कोशिश करी, उसका पावर बताने की कोशिश करी कि अगर कोई भी खोज है मेहरबानी करके आप ये तय जान लो कि प्रेम की कमी है। तो सीधे प्रेम खोजो, गाड़ी में सामान में मान में सम्मान में कुछ मिलेगा नहीं, फिर अंतिम समय वो का वही, बड़ी बेचैनी में मरते। और ये बड़ा दुख का विषय है, मनुष्य बेचैनी में मरता। चलो बेचैनी में जीता वो तो एक बात है, बेचैनी में मरता इससे बड़ा दुख का कोई भी विस्फोट नहीं हो सकता उसके जीवन में, ये तो बहुत बड़ी फेलियर है। तो प्रेम, अपना अस्तित्व लुटाने की तैयारी, ये प्रेम की पहली सीढ़ी है। अगर आप उल्टे रास्ते जाते तो प्रेम विकृत हो रहा है, भागा दौड़ी है, जीवन जा रहा हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है। और अनन्य प्रेम ये आपकी मंजिल है कि जिस चीज में जिस काम में जहां है अगर डूब जाए, अस्तित्व ही भूल जाए, नाम क्या नहीं पता, काम क्या कुछ नहीं पता, काम क्या ये पता है बस, बस ये अनन्य प्रेम हो जाएगा, जीवन में मैजिक हो जाएगा। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं, जैसे आत्मा क्या है, भगवद गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है, आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है, साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे
आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्म शक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसका उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणी तुमसा आत्मा, तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं समय हूँ, पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कम्प्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।